दो दिन पहले जो जुमा के दिन जो है मोहम्मद ख्वाजा साहब 55 साल का हार्ट अटैक की वजह से जो एक वाटर फिल्टर में काम करते थे उनका इंतकाल हुआ। के नगर गंदमगुड़ा भीकर सेक्शन सोसाइटी के रहने वाले थे ये लोग। तो उसमें जो कुछ लोग जो है तकरीबन 4-5 कब्रस्तान को गए, वहाँ के मुतवल्ली हजरात इनको जगह नहीं दिए, नहीं देने की सूरत में इनको लेके जाके किसी हिंदू शमशान गार्ड में इनकी तदफीन अमल में आई। तो आज मैं खुद जो है सुबह में गंदमगुड़े को गया था, वहाँ पर सबसे पहले जो ख्वाजा साहब मर गए थे उनसे मुलाकात किया, उसके बाद में वहाँ के जो संदीप जो TRS के मुकामी लीडर है उनसे भी मिला। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ख्वाजा साहब मरने के बाद में वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद है मस्जिद रहमतुल आलमीन वहाँ पर जाके ये लोग जो है सर्वे नंबर 381, तो जब वहाँ पर पंचायत थी पहले तो अब म्यूनसिपैलिटी है बंदला मुस्लिम ग्रेवयार्ड, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को अलर्ट कर दिया गया, वहाँ तदफीन हो रही है, हिंदू ग्रेवयार्ड और मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए वहाँ पर तदफीन अमल में नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये लोग वहाँ पर ये मुकामी TRS के संदीप और इनके जो मरगेस वालों के लोग वहाँ पर खोद रहे थे, तो VRO रामलू आके वहाँ पर काम को रुका दिया। तो पहले तो इसकी तहकीकात करना चाहिए कि जब कब्रस्तान को जगह अलर्ट थी तो इनको क्यों रोका गया। उसके बाद में ये लोग ये बता रहे हैं कि हम 6 कब्रस्तान को गए, सबसे पहले लंगर हाउस की दरगाह को गए, वहाँ पर कोई पिंटू साहब से मुलाकात किए, फिर उसके बाद में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के बाजू के कब्रस्तान को गए, फिर उसके बाद में मस्जिद कुतुबशाही के कब्रस्तान को गए, हिरन चेरू के कब्रस्तान को गए, सनसिटी के कब्रस्तान को गए, ये 5 कब्रस्तान को गए। जगह नहीं मिलने की सूरत पे शाम में जो है क्योंकि रात में उस दिन जुमतुल विदा था, धूप बहुत थी, पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट था, खून बह रहा था, बॉडी में से कुछ बो आ रही थी, तो मुकामी तौर पर बगैर किसी से मशवरा करेंगे किसी से मशवरा, हालांकि वहां के जो मुकामी कारपोरेटर है बाजू के ख्वाजा मियाँ उनकी वाइफ आसिया कारपोरेटर है, किसी से बगैर मशवरा करेंगे ये अपने तौर पे फैसला करके वो फैमिली मेंबर और ये संदीप दोनों जने जाके वहां पर बाजू के एक मसानगट्टी है वहां का कारपोरेटर है चंद्रशेखर वार्ड नंबर 1 के उनका कारपोरेटर है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।